वध की बात कर रही थी आप, रावण के वध की बात। दीदी आप ये सब कैसे भूल सकती हो? दीदी याद कीजिए ना, दीदी याद कीजिए। अरे दीदी आप आराम से बैठिए, हम सब कर लेंगे। और सुनैना दीदी गई है ना आपके सुहाग की सेज सजाने। सुनैना दीदी और सुहाग की सेज? हाँ। तरेगिनी ने अपना घर बसा के सोचा कि वो सुकून से जिएगी, लेकिन ऐसा तब होगा जब हम होने देंगे। उसने हमसे हमारा कान्हा छीन के कुंचन दीदी को दे दिया, हमारा बही खाता खोल दिया। अब हम उसका खोलेंगे, हम उससे उसका नब छीन लेंगे। तरेगिनी इतने आलीशान बिस्तर पर सोती है, नींद बहुत अच्छी आती होगी उसे, लेकिन आज के बाद नहीं आएगी। सुनैना दीदी ये क्या कर रही हैं आप, और आपने ये सफेद बिस्तर क्यों बिछा दिया? तरेगिनी हम सब बहनें सफेद बिस्तर पर सोते थे ना, और देखो हम इस पे फूलों की पंखुड़ियां भी डाल रहे हैं। पूछो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? आप ये सब क्यों कर रही हैं? तरेगिनी मैं तुम्हारी सुहाग की सेज सजा रही हूँ। देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, सजाओ ना। तुम्हें याद है ना तरेगिनी, हम बहनें जब मरे थे तो हमारी अर्थी पर भी ऐसे ही फूल सजाए गए थे। लो ना लो, तुम भी फूल सजाओ। क्या बकवास! ये तुमने क्या किया तरेगिनी? हमने बिल्कुल सही किया, जो भी किया। अब आप हमारे कमरे से निकलिए, निकलिए यहां से। अरे हमें देखने तो दो सुहाग की सेज कैसी सजाई है हमने। देखो देखो तरेगिनी, तो आप क्या कर रही हैं? निकलिए हमारे कमरे से।
और हमारे सपनों को बर्बाद क्यों करना चाहती हैं? हम तुम्हारे सपनों को उजाड़ना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हमारे सपनों को उजाड़ा है इसलिए। और इस बार हम अकेले नहीं है तेरे गनी, इस बार हमारे साथ सारी बहने हैं। देखो वो देखो, कुंचन दीदी भी हमारे साथ है, देखो ना। किसे देख रही हैं सुनैना दीदी? नब को। तरेगिनी नब के भरोसे ही हम सबका भरोसा तोड़ रही है ना। अब नब तरेगिनी का भरोसा तोड़ेगा। मतलब? मतलब तुम बहुत छोटे हो, नहीं समझ पाओगे, लेकिन तरेगिनी सब समझ जाएगी। आप क्या करने वाली हैं? हम अकेले नहीं, तुम लोग हमारा साथ दोगे। हम लोग? हाँ, अगर हम चाहते हैं कि तरेगिनी हमारी दुनिया में वापस आ जाए तो हमें नब और उसकी जिंदगी में जहर खोलना होगा। उन दोनों को अलग करना होगा। सुने ना, जो कुछ भी करना है वो तुम करो, लेकिन कम से कम उजाला और जानवी को इस सब से दूर रखो। नहीं नहीं, हम सुनैना दीदी का साथ देंगे, क्योंकि हमको तरेगिनी दीदी वापस चाहिए। हाँ दीदी, और तरेगिनी दीदी को वापस लाने के लिए हमें सुनैना दीदी का साथ तो देना चाहिए ना। लेकिन तुम लोग इस बात पर भरोसा कैसे कर सकते हो? ये जो कुछ भी कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ तरेगिनी को वापस लाने के लिए कर रही है। ये खुद भी तो उससे बदला लेना चाहती थी। हाँ, हम उससे बदला लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हमारी बहनों की जिंदगी में खुशी वापस आ जाए, जो वादा तरेगिनी ने किया था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अंधेरे में भटकते रहे और वो नब की दुनिया में मौज करती रहे? लेकिन उसने भरोसा दिलाया है ना कि वो वापस आएगी। आप मानती हैं दीदी, आप महान बनने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो हम पूरी जिंदगी में आधे अधूरे ही रह जाएंगे। अगर तरेगिनी हमारी दुनिया में वापस नहीं आ जाती है तो हम नब की दुनिया में उसकी जिंदगी को नर्क बना देंगे, जैसे हमने उसके सुहागरात की सेज को अर्थी बना दिया था।
जानती हो, आज पहली बार तरेनी ने तुलसी के पौधे को तुलसी का पौधा समझा है। उसने तुलसी को अपनी माँ नहीं, तुलसी माँ समझा है। और दुनिया में जैसे सारे लोग जल अर्पित करते हैं ना, बस वैसे ही उसने भी जल अर्पित किया है। मुझे लगता है कि ये मेरी दुआ और मेडिसिन्स का कमाल है। I'm very happy, very happy. अच्छा, listen, I'll call you back in some time. Bye. घर बसाते बसाते लगता है हम ही एक दिन चल बसेंगे। अरे इतना सारा काम हम अकेले कैसे करें? और उतरेगनी है क्यों, तो खाली बस नव को ताकती रहती रहे और नव उसके पीछे 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 घूमता रहता है। इतना बड़ा शरीर और दिल एकदम। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें देख रहा था। और चुपके से किसी से फोन पे भी बात कर रहे थे? वो एक दोस्त है, बिल्कुल मेरी तरह डॉक्टर दोस्त। लेकिन आपकी तरह कोई नहीं हो सकता। तुम्हारी तरह भी इस दुनिया में कोई नहीं है। तुमने मेरे घर में आकर मेरे घर को स्वर्ग बना दिया। हम सोच रहे हैं कि मौसा मौसी को ना उनके घर भेज दे, या तो हम अपने घर भेज दे। नहीं नहीं, उनको थोड़े दिन यहाँ रहने दो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा और फिर मौसी तुम्हारे साथ काम में हाथ भी तो बटाती है ना, ना? नहीं, अब हम सारा काम खुद करेंगे, क्योंकि ये हमारा घर संसार है। हाँ, जब से ये आए हैं एक पैर पर खाली कामे किए जा रहे हैं। अरे तरेगनी का घर बसाते बसाते लगता है हम ही एक दिन चल बसेंगे। अरे इतना सारा काम हम अकेले कैसे करें? और तरेगनी है क्यों, तो खाली बस नव को ताकती रहती रहे और नव उसके पीछे 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 घूमता रहता है, हाथ में लेके हथेली पंडे कर घूमता रहता है। एक हमारे सजनमा है, बोलो कुछ सुनेंगे कुछ और, कौनो असर नहीं होता है उनको तो। इतना बड़ा शरीर और दिल एकदम। रुक का है थे? कोसो कोसो, जितना मर्जी करे उतना कोसो। अरे हम भी अकेले रहते हैं ना, तो यही सब बरबराते रहते हैं। हमारा दिल छोटा नहीं था, लेकिन तुमको देख देख के मुरझा गया, सिकुड़ गया और छोटा हो गया। अच्छा, का कहे आप? हमको देख देख के? अच्छा, तो का कमी है हमारे अंदर बताइए। अरे तो खूबियां क्या है? देखिए, दिन रात हम आपकी माला जपते रहते हैं, सजनवा सजनवा सजनवा, और आप हैं कि मत जपा करो, ये तो हमको अपने नाम से विरक्ति होने लगेगा। देखिए सजनवा, ऐसा मत कहिए आप। अरे आधा जिंदगी तो हम आपको दे दिए हैं,
अब ऐसा कहेंगे ना तो हमारा भरोसा टूट ना जाएगा। भरोसा टूट जाएगा तो क्या करोगी, चिपकी रहोगी हमारे साथ खटिया में खटमल की तरह? का? का कहे? का? आप हमको खटमल कह रहे हैं? अरे तो हम भी अपने आप को खटिया बोले। आप खुद को खटिया बोलिए चाहे खटमल, हमको उससे कोनो मतलब नहीं है। बाकी हमको सजनिया बोलिए। वो का है ना कि आपके मुंह से सजनिया सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। खैर इसे छोड़िए, हम आपके लिए अच्छा सा कॉफी बनाते हैं। एक काम करिए, वो नव के तरह ना इस सोफा पे आराम से बैठ जाइए। सोफा पर बैठेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेंगे आप। अरे मैं सोफा पर बैठ के कॉफी पीने नहीं आया। कभी सोची हो कि तरेगनी और नव को कैसे अलग करना है? यहाँ तरेगनी का घर टूटेगा तभी हम लोगों को कुछ समझेगी, तभी कुछ हम लोग को भाव देगी। हम कहाँ बताएं? अरे ये सोचते रहते हैं हम 24 घंटा, बाकी हमको कोनो उपाय नहीं सोचता है। मौसा जी, मौसा जी वो, अरे वो जो बाद में सुबह पे पहले बैठिए, हमने खटमल लिया। अरे हमने तीन पतिया बहुत अच्छा कॉफी बना रही है और आज तो हम भी पियेंगे। मौसा जी ये तो बहुत बढ़िया बात है, आप जल्दी से कॉफी पी लीजिए और मेरे साथ वो पंचायत भवन चलिए, वहाँ पे हमारी एक मीटिंग है। वो सुशील सिंह है ना, उसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, मेरा मतलब है शिकायत की है। शिकायत? जी। कैसी शिकायत? मौसा जी तो वहां जाके पता चलेगा ना कैसी शिकायत। आप कॉफी पीजिए, मैं अभी आता हूं। हाँ ठीक है चलिए। अरे चिंपतिया जाओ जाओ कॉफी कॉफी बना के लाओ। ऐसे नहीं, पहले आप प्यार से बोलिए तब बनाएंगे हम आपके लिए कॉफी। सजनिया। ऐसे नहीं, प्यार से, जैसे हम आपको बोलते हैं सजनवा। ठीक है सजनिया, जाओ हमरे लिए कॉफी बना कर लाओ। ये हुई ना बात, आज ना हमारा दिन एकदम में बढ़िया हो गया सजनवा। आप देखिए हम यूं हो गए और कॉफी बना के लेके आते हैं। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि तरेगनी घर में नहीं है, डॉक्टर के साथ रह रही है उसकी धर्म पत्नी बनकर। डॉक्टर को भी इस पगलेठी से ब्याह करने का क्या विचार आया पता नहीं। चलो अच्छा है, डॉक्टर भी पागल हो जाएगा। बिल्कुल। Right.
चलो एक बात तो कंफर्म हो गई कि तरेगनी घर में नहीं है। डॉक्टर के साथ रह रही है, उसकी धर्मपत्नी बन। डॉक्टर को भी इस पगलेठी से ब्याह करने का क्या चारा है पता नहीं। चलो अच्छा है, डॉक्टर भी पागल हो जाएगा। बिल्कुल। हम सब तरेगनी दीदी से प्यार करते हैं, लेकिन अगर दीदी स्वार्थी हो गई है तो उन्हें निस्वार्थ तो बनाना पड़ेगा। और तरेगनी दीदी ने तो वादा किया था ना कि वो आप लोगों की जिंदगी में रंग भरेंगी, पर वो तो नव के रंग में रंग चुकी हैं। सुनैना दीदी का साथ हमें देना चाहिए। तरेगनी को अपने वादे पूरे करने होंगे दीदी। तरेगनी दीदी ने हमें उम्मीद दिलाई थी कि हमारी जिंदगी संवरेगी, और ऐसा करने के लिए तरेगनी दीदी को त्याग करना पड़ेगा। उसको नव को बोलना होगा